जय प्रकाश तिवारी जी सासाराम से। श्री विद्या दीक्षा वाले चुकंदर खा सकते हैं क्या? तो ये जो चुकंदर होता है ये खून को बढ़ाने वाली जड़ी है, भूमि में उत्पन्न होता है और श्री विद्या की दीक्षा वाले इसको खा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। राधिका शर्मा है नागपुर से। राधिका जी, आप पूछ रही हैं कि हम अपने गुरुजी के पास नहीं जा पा रहे तो अपने घर में जन्मदिन कैसे मनाएं? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जन्मदिन मनाने के लिए गुरुजी के पास जाना क्यों ज़रूरी है। अगर आपका ऐसा आशय है कि गुरुजी के जन्मदिन में आप उनके पास नहीं जा पा रही हैं तो घर में कैसे मनाएं? तो गुरुजी के पास नहीं जा पा रही हैं तो गुरुजी को टेलीफोन करके बता दीजिए कि हम आपके जन्मदिन में आना चाहते थे, नहीं आ पा रहे हैं, आपका जन्मदिन हम अपने घर में ही मना रहे हैं। गुरुजी के पास आप जाती भी तो गुरुजी के चरणों की पूजा करती तो घर में ही गुरुजी के चरणों की पूजा कर लीजिए और वहीं से उनका जन्मदिन मनाइए, लोगों को बुलाइए, प्रसाद आदि बांटिए। अगर अपना स्वयं का जन्मदिन आप मनाना चाह रही थी और उस दिन गुरुजी के पास जा करके उनके सानिध्य का लाभ लेना चाह रही थी तो भी गुरुजी को टेलीफोन करिए कि गुरुजी अपना जन्मदिन मनाने हम आपके चरणों में आना चाहते थे लेकिन कारणवश नहीं संभव हो पा रहा है, आप वहीं से हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो आपके गुरुजी जहाँ हैं वहीं से आपके लिए आशीर्वाद के दो शब्द अवश्य बोलेंगे। बड़े कृपालु होते हैं गुरुजन, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं तब भी अगर गुरुजी का जन्मदिन मनाने उनके पास जाना था नहीं जा पा रहे हैं वो भी, और अगर अपना जन्मदिन मनाने के लिए उनके पास जा रहे थे उनके सानिध्य में तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो भी जहाँ हैं वहीं से जो जन्मदिन का उत्सव है उसको मना सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। राधिका जी, डॉक्टर चौबे परमहंसी, नाम तो नहीं लिखा है लेकिन केवल डॉक्टर चौबे लिखा है। आपका प्रश्न है कि जब सभी मनुष्यों एवं प्राणियों में ईश्वर है तो हम एक दूसरे से राग द्वेष क्यों करते हैं? सब प्राणियों में ईश्वर है इसमें कोई शंका नहीं है, एकदम पक्का है कि सब प्राणियों में ईश्वर है, लेकिन सब प्राणियों में जो ईश्वर है वो आपस में राग द्वेष नहीं करता। तो राग द्वेष कौन करता है? राग द्वेष जो हमारी माया शक्ति है वो त्रिगुणात्मिका है, आपने सुना होगा उसमें तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो तीनों गुण हैं ये तीनों आपस में मिले भी रहते हैं और एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। तो जब सत्वगुण आता है तो रजोगुण तमोगुण पीछे हट जाते हैं, जब रजोगुण जागता है तो सत्वगुण और तमोगुण पीछे हट जाते हैं, जब तमोगुण जागता है तो सत्वगुण और रजोगुण पीछे हट जाते हैं, इनका तालमेल नहीं बैठ पाता है। यद्यपि मिले ही रहते हैं लेकिन फिर भी परस्पर का इनका तालमेल नहीं है। तो जो गुण हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, असल में लड़ाई इनकी है, भगवान की लड़ाई नहीं है, भगवान तो सब में एक रूप में विद्यमान हैं, ना उनकी किसी से दुश्मनी है ना किसी से दोस्ती है, ना तो उनका किसी से राग है ना तो उनका किसी से द्वेष है, भगवान सदा समभाव में रहते हैं। लेकिन ये जो हमारे गुण हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण सारे संसार में व्याप्त हो रहे हैं और इन्हीं तीनों गुणों के कारण लोग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो आप समझ गए, ईश्वर सभी मनुष्यों में प्राणियों में विद्यमान है, एक दूसरे से हम लोग जो राग द्वेष करते हैं ईश्वर के कारण नहीं करते हैं बल्कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कारण करते हैं। प्रभा दुबे गोटेगांव से। महाराज जी, आपने बताया था सत्संग में विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है, अगर गलती से विश्वासघात हो गया हो तो उसके लिए प्रायश्चित क्या है? प्रभा जी, पहली बात तो यह है कि हमने सत्संग में जो बताया कि विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है, बिल्कुल सही है, शास्त्रानुसार हमने ये बात बताई थी। आप कह रही हैं आप कि अगर गलती से विश्वासघात हो गया हो तो उसका प्रायश्चित बताइए, तो गलती से कैसे विश्वासघात हो जाएगा? हाँ, विश्वासघात करना बहुत बड़ा पाप है ऐसा नहीं जानते थे,
विश्वासघात को बहुत सामान्य सी चीज़ समझ रहे थे, इसलिए विश्वासघात आपने कर दिया किसी से। अब कथा सुनने के बाद आपके मन में ये बात आई है कि विश्वासघात तो बहुत बड़ा पाप है, इसका तो बड़ा कुफल है और वो उस व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। तब अगर आपके मन में अब बात आई है कि इसके लिए क्या प्रायश्चित है, तो सबसे बड़ा प्रायश्चित तो यह है कि हमारे मन में पछतावा उत्पन्न हो जाए कि हमने ये गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी पछतावे के साथ साथ जीवन पर्यंत अब ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा, ये संकल्प अगर जाग जाए तो इससे बढ़ करके दूसरा कोई संकल्प नहीं हो सकता है। वैसे विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है, इतने बड़े पाप के बारे में कैसे हम कह दें कि प्रायश्चित इसका होता है। ये कहा गया है, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः त्रयस्ते नरकं यान्ति यावदाभूत संप्लवम्। ये जो तीन हैं जिनमें विश्वासघाती भी आ जाता है, ये तीनों नरक में तब तक के लिए चले जाते हैं जब तक कि संसार का प्रलय नहीं होने वाला है। तो आपको विश्वासघात के बारे में बहुत सचेष्ट रहना चाहिए। जिसने आपके ऊपर विश्वास किया है उसको कभी उसका घात मत करिए। अब तक जो हो गया उसके लिए पश्चाताप, आगे किसी हालत में इसको न करने की संकल्प बुद्धि, ये बहुत आवश्यक है। प्रभा जी, आशा है कि आप आगे से अब विश्वासघात किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप जान चुकी हैं और ठीक से जान चुकी हैं कि ये बात गलत है, गलत है, गलत है। जन्म मरण के चक्र से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कपिल शर्मा जी, जन्म मरण के चक्र से कौन छुटकारा पा सकता है? जिसको इस बात का ज्ञान हो गया हो कि मेरा जन्म नहीं हुआ, क्योंकि जो ये मानता है कि मेरा जन्म हुआ है तो उसके लिए अटल सिद्धांत है कि उसकी मृत्यु होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी होना सुनिश्चित है उसी तरह से। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसकी उसका जन्म होना सुनिश्चित है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस बात को शास्त्राध्ययन से, गुरुओं के सत्संग से जान लेना है कि मैं तो जन्मा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ वो जन्मने की चीज़ नहीं है, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु होती है। आत्मा सदा एक रस रहता है, तो जन्म किसका हुआ? का है? शरीर का हुआ। शरीर जन्मता है इसलिए शरीर मरता है। समझ गए? तो जन्म मरण का चक्र कैसे छूटेगा? जन्म मरण का चक्र इस बात के ज्ञान से छूटेगा कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। आत्मा के अतिरिक्त बाकी सब अनात्मा है, आत्मा ही सत्य है और बाकी जो कुछ भी इसमें आरोपित दिख रहा है वो सब असत्य है। इस बात का ज्ञान हो जाना, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जिसको आत्मज्ञान या तत्व ज्ञान हो गया उसका जन्म मृत्यु का चक्र छूट गया, और जिसको ये नहीं हुआ उसका किसी हालत में नहीं छूट सकता। विंध्याचल से आशीष गुप्ता जी हैं, आपने प्रश्न किया कि महाराज जी, साधारण मनुष्य इस व्यस्तता भरे जीवन में किस देवी या देवता का पूजन या अनुष्ठान करे जिससे उसे सभी देवी देवताओं के पूजन का ही फल प्राप्त हो जाए? तो बंधु, दो देवता हैं जिनका पूजन करने से सभी देवी देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है। एक तो श्रीयंत्र, अगर विधि विधान के साथ श्रीयंत्र का पूजन किया जाए तो उसमें सब देवता समाये हुए हैं, इसलिए यंत्रराज उसको कहा जाता है। उसकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन योग्य गुरु से दीक्षित होकर के नियमानुसार पूजन करना अगर बन सके तो। और दूसरे हमारी गौ माता है, गाय में सभी 63 कोटि देवता विद्यमान हैं, यहाँ तक कि उनके गोबर और गौमूत्र में भी एक एक देवी देवता हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गौ माता की प्रदक्षिणा करिए, गौ माता को प्रणाम करिए, गौ माता की पूजा करिए, गौ माता की सेवा करिए, आपको किसी और देवता की पूजा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी,
क्योंकि सर्वदेव मय है, मई है वो गौ माता, और अभीष्ट फल का प्रदान भी करती है। जब हमारे देश के राजा दिलीप निसंतान थे, गुरु महाराज के यहाँ वशिष्ठ जी के यहाँ जा कर के पूछने लगे कि हमारी ये कामना कैसे पूरी होगी, तो उन्होंने गौ सेवा ही बताई थी और उसी गौ सेवा के परिणाम स्वरूप दिलीप को संतान की प्राप्ति रघु के नाम से हुई थी। तो इसका मतलब है कि गाय ऐसा देवता है जिसमें 33 कोटि देवता विराजमान हैं, उसकी पूजा करने से, उसकी सेवा करने से 33 कोटि देवताओं के पूजन का, सेवा का फल प्राप्त हो जाता है और अभीष्ट की सिद्धि भी हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप गौ माता का पूजन आरंभ करिए। अंशु दुबे जी, राष्ट्रीय मंत्री दिल्ली, किस संस्था के राष्ट्रीय मंत्री हैं ये तो नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि राष्ट्रीय मंत्री दिल्ली अंशु दुबे। आपने पूछा है कि ये गौ माता की प्रजाति पुंगनूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, जिसका आकार एक बकरे के बच्चे जितना होता है, क्या यह देशी प्रजाति की गौ माता है? लोग इन्हें घर के भीतर भी पाल रहे हैं, क्या इनके सेवा करने में हमें गौ सेवा का फल प्राप्त होगा? तो बंधु अंशु दुबे जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पुंगनूर जो गाय है, ये भारत की ही अपनी गाय है, इसलिए देशी कही जा सकती है। हमारे यहाँ गाय के बारे में जो पहचान बताई गई है वो शासनादिमत्वम गोत्वम, गोत्व जो है वो शासना से पहचान में आता है। शासना का मतलब है गले के नीचे एक कंबल जैसी चीज़ ऐसे लटकती रहती है, उसी को कहते हैं शासना संस्कृत भाषा में। तो वो शासना जिसमें होती है वो देशी गाय होती है, और ककुद भी होता है, ककुद माने यहाँ पर कुबड़। तो जिस गाय के कुबड़ दिखाई दे और शासना लटकती हुई, लटकता हुआ गलकंबल हो, वो देशी प्रजाति होती है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, किसी देश विशेष के नाम पर, क्षेत्र विशेष के नाम पर उसका नाम हो सकता है, या किसी ने उसका कुछ और नाम रख दिया हो। अपने यहाँ बहुत सारी देशी प्रजाति की गायें होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो उसमें ये आंध्र प्रदेश की पुंगनूर गाय है। इसके भी ककुद और शासना दिखाई देता है, और ककुद और शासना दिखाई देने के कारण इसको हम लोग देशी गायों में गिनते हैं। तो गाय है, अब उसकी प्रजाति ही है कि वो छोटी होती है, तो केवल छोटी होने मात्र से वो गाय नहीं रही, ऐसी बात नहीं है, है तो गाय ही। और अगर गाय है तो गाय की सेवा करने का जो पुण्य है वो पुंगनूर की गाय के सेवा से भी मिलेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के पुंगनूर गाय अगर आपके पास उपलब्ध हो गई है तो उसके साथ उसकी सेवा करिए, आपको गौ सेवा का पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा लगा कि आपने पूछा, क्योंकि बात तो छोटी सी है लेकिन गौ सेवा का फल इससे मिलेगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बकरी में गिन ली जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी सेवा करें और पुण्य भी हमको प्राप्त ना हो। तो आपने अच्छा किया पूछ लिया। हमारा आपको यह कहना है कि किसी प्रजाति विशेष के बारे में मत सोचिए, गाय को देखिए। अगर गाय में ककुद है, यहाँ पर डील जिसको कहते हैं कुबड़, या फिर उसके गले में कंबल जैसी चीज़ ऐसे ऐसे लटक रही है, अगर आप पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ करके उसको हिला सकते हैं, अगर वो कंबल जैसी चीज़ लटक रही है तो समझ लीजिए कि ये हमारी देशी गाय है और इसकी सेवा करने से हमको गौ सेवा का फल प्राप्त होगा। राहुल भट्ट जी, हरिद्वार से आप हैं, आपका ये प्रश्न हमारे सामने आया है। घर के ईशान कोण में जो डंडे में झंडा लगता है बांस की लकड़ी में, वह हम बांस के अलावा कौन कौन सी लकड़ियों में लगा सकते हैं? तो ठीक है, इतना तो आपको पता है कि बांस में लगता है, हो सकता है घर में आपके बांस में झंडा लगाया भी गया हो, ध्वजदंड जिसको कहते हैं। तो ये ऐसा होता है कि जो ध्वज की लकड़ी होती है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है कि ऊर्ध्वगामिनी होनी चाहिए। तो वैसे तो सभी पेड़ जिनमें लकड़ी होती है वो सब सीधे जाते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं। कोई भी अंकुर होता है तो जब वो उगता है तो ऊपर की ओर ही जाता है,
लेकिन क्या होता है कि आगे चलकर के उसमें शाखा प्रशाखा होने लग जाती है। ये बांस एक ऐसी लकड़ी है जो सीधे ऊपर जाता है, और अगर इसकी शाखा प्रशाखा होती भी है तो नाम मात्र की होती है। मूल तना एक का एक ही रहता है और वो ऊपर की ओर ही जाता है। तो हमारा जो ध्वज दंड है वो ऊपर जाने वाला होना चाहिए, ये माना गया है। आप लोग गाते भी हैं ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो हमारा झंडा ऊंचा हो तो ऊंचा कैसे होगा, जब चारों तरफ फैलने की इच्छा छोड़ करके कोई वनस्पति सीधे ऊपर की ओर जाना चाहेगी। तो बांस के अलावा ऐसी कौन कौन सी लकड़ियाँ होती हैं जिनके तने और इधर उधर नहीं जाना चाहते, सीधे ऊपर जाते हैं। तो जो जो भी ऐसे तने होते हैं, जैसे सागौन होता है, जैसे नीलगिरी होता है, और इसी तरह के दूसरे और देवदार है, चीड़ है, ये सब भी ऐसी लकड़ियाँ होती हैं जो दाएं बाएं नहीं जाती हैं, और जाती भी हैं तो केवल नाम मात्र के लिए। कुछ थोड़े थोड़े उनके शाखा प्रशाखा होती है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य ऊपर ही तरफ बढ़ना होता है। तो जो लकड़ियाँ ऊपर की तरफ बढ़ने में ही अपना प्रमुख स्वभाव दिखाती हों, उन्हीं लकड़ियों में ध्वज को पिरो करके फहराना चाहिए, ताकि हमारा ध्वज ऊपर ही ओर, ऊपर ही ओर, ऊपर ही ऊपर चला जाए। लकड़ी तो सूखी हुई होगी तो ऊपर क्या जाएगी, लेकिन उस लकड़ी में ऊपर जाने की एक जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति हमको भी प्रेरित करेगी और हम अपने ध्वज को और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करते चले जाएंगे। तो राहुल जी, आशा है कि आपने ये बात समझ ली होगी कि हमको किस लकड़ी में ध्वज को पिरोना है, उस लकड़ी में जो दाएं बाएं की अपेक्षा ऊपर जाने में ज़्यादा भरोसा रखती हो, ऊंचे से ऊंचे चढ़ती चली जाए, ताकि हमारा ध्वज भी ऊंचे से ऊंचा, चाहे वो धर्म का ध्वज हो, चाहे अपने राष्ट्र का ध्वज हो। नारायण।